ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल में आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ। दोस्तों कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है और हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक महीने में आपको रोज़ करना होगा ये एक उपाय। इससे माँ लक्ष्मी खुद खोल देंगी आपके बंद किस्मत के दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत की आपके पास कोई कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको आगे क्या उपाय बताएँ, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों विषय पे अब हम अपने वापस आते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है और सनातन धर्म में ये महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक महीने में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है और इससे काफ़ी लाभ भी मिलता है। कार्तिक मास में अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो दोस्तों आप पर माँ लक्ष्मी की खास कृपा बनी रहती है और कभी भी धन की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ, अगर आपको अब तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि लगे हाथ अनुरोध है कि ये वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते रहेंगे। दोस्तों चलिए आगे के वीडियो में चलते हैं। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना गया है। इस महीने में ही तुलसी विवाह का खास त्यौहार भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को ही तुलसी मैया अति प्रिय भी हैं। कार्तिक मास में रोज़ शाम को तुलसी के नीचे 5 दीपक रखें, इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। और अगर आप 5 नहीं रख सकते तो 1 दीपक तो गाय के शुद्ध देसी घी का जलाएँ ही जलाएँ शाम के वक्त, और जो भी अपनी परेशानी है वह तुलसी मैया के सामने बोल दें। अगर आप के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो तुलसी पर सिंदूर के साथ लाल फूल भी चढ़ाएं, इससे ये दिक्कतें भी समाप्त हो जाएंगी। याद रखिएगा दोस्तों कि ये सारे उपाय आपको कार्तिक मास में ही करने हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। कार्तिक मास में तुलसी पर श्रृंगार का सामान चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों ये कुछ उपाय हैं जो आप कार्तिक मास में तुलसी मैया के साथ कर सकते हैं और इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होगी। धन के नए नए रास्ते खोलेंगे, धन का प्रवाह भी बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।